गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग नीट की बायोलॉजी के लिए आपको मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर करा रहे हैं। और बच्चों, इस बात को ध्यान रखिए कि आपकी टेस्ट सीरीज प्रॉपरली शुरू हो चुकी है और उसको आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके विषय में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। आपको पहले भी हमने बताया हुआ है कि जितने भी पॉइंट्स हमारे किसी भी चैप्टर में इंसर्टेड किए हैं, उनको मैंने सारे सब बगल में नोट्स में समराइज किया हुआ है। इसे बच्चों याद करते हैं, जब आप नीट के लिए पढ़ाई तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो आपको अगर एनसीईआरटी में लिखे हुए साइड के जो पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हुए इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, जिसे आप किताब में अलग बनाते हो, अगर उतना ही लिखे होंगे तो भी आप 90 में 88 क्वेश्चन पा जाएंगे। मैंने पूरी थ्योरी को लिखा हुआ, अगर आप कायदे से थोड़ा भी ध्यान देते हैं तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। एनसीईआरटी कह रही है कि आपकी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी खोजी जा चुकी है, 105। तो क्या सॉइल में उपस्थित सारे एलिमेंट प्लान के लिए जरूरी हैं या सॉइल में उपस्थित सारे एलिमेंट हमारे लिए जरूरी हैं? तो ऐसा नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि वो एसेंशियल एलिमेंट हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी होते हैं। उन्हें पहले इनका नंबर था बेटा 16, लास्ट में निकिल को बढ़ाया गया, अब हो गए हैं 17। अब उनमें से किसी एलिमेंट की मात्रा को कम जरूरत होती बॉडी में, किसी की ज़्यादा होती। माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी की अधिक आवश्यकता होती है, माइक्रो होते हैं जिनकी की हमें कम जरूरत पड़ती है। इसका भी पूरा चार्ट है, आगे इसे करेंगे। एसेंशियल मिनरल एलिमेंट क्या है? अब दो शब्द है, ऊपर क्या लिखा है एसेंशियल एलिमेंट्स, नीचे क्या लिखा है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट। मिनरल शब्द इसलिए लिखा है कि प्लांट जिन एलिमेंट को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं वो मिनरल्स कहलाते हैं, और जो हवा या पानी से लेते हैं वो एलिमेंट हैं, एसेंशियल भी हैं। इनके साथ उनके लिए मिनरल वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट मिनरल्स नहीं कहलाते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर से या वाटर के फॉर्म में पानी से लिए जाते हैं। तो 17 में से कितने एलिमेंट निकल गए जो मिनरल्स नहीं होंगे बेटा? 3 बचे, कितने? 14। एक यह भी कैटेगरी हमारी मिलती है। तो इस प्रकार से हमारे पास पहला एलिमेंट्स कितने हैं, दूसरा एसेंशियल एलिमेंट उसकी दो कैटेगरीज हैं, तीसरा एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स जो सॉइल से प्राप्त होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की संख्या बेटा 60 मिली है, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जो भारतवर्ष में है ही नहीं, किसी दूसरे देश की किसी दूसरी धरती पर है। तो क्या यहाँ के प्लांट में होगी? इन वहां के प्लांट में है, तो क्या यहाँ के प्लांट उसके बिना जीवित हैं? इसका मतलब वो एलिमेंट तो हैं बट एसेंशियल। तो 60 प्रकार के एलिमेंट हमें डिफरेंट प्लांट में अलग अलग देशों की अलग अलग मिट्टियों से पौधों में मिले हैं। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कितने एलिमेंट आपके हैं, तो क्या बताओ बेटा? 60 हो जाएंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट है, नाइट्रोजन को सेमी एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। सेमी क्यों कहते हैं? कि नाइट्रोजन का सोर्स एटमॉस्फियर है बेटा, N2। लेकिन प्लांट एटमॉस्फेयर से N2 नहीं लेता है, तो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन पहले नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलकर सॉइल में आती है। तो सॉइल से वो नाइट्रेट या नाइट्राइट या अमोनियम आयन के फॉर्म में लेता है। इसीलिए भैया आधा आधा हो बांट लो, हो तुम हवा में लेकिन पौधे में आते हैं वो सॉइल से, सो दैट उसे सेमी कहते हैं। इस बुक में इसका जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए मैंने इसे कह दिया कि ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा पॉइंट हो गया। ओके, आइए अगला क्वेश्चन क्या है, आप इसको पढ़ते हैं। काट दिया, क्या पढ़ना जरूरी है? जरूरी है, एग्जाम में नहीं आएगा लिखा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे है? सेम है बेटा, सबको भोजन चाहिए, सबको। दे रिक्वायर्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स, हर एक को चाहिए क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट,
एंड वाटर मिनरल्स फॉर ग्रोथ है ना, तो बेसिक नीड सभी के बेटा सेम है। उसके बाद खाना खाएंगे तो रोटी सबको जरूरी है, अब कोई दाल से खाता है, कोई सब्जी से खाता है, कोई पनीर लेता है, इतनी सी बात। तो बेसिक नीड, दिस चैप्टर फोकस मेनली ऑन द इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिशन पर फोकस है, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट पर फोकस नहीं है। वेर इन यू विल स्टडी द मेथड टू आइडेंटिफाई एसेंशियल एलिमेंट टू ग्रोथ के लिए कौन जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए कौन सी जरूरी है, उनकी क्राइटेरिया आवश्यकता के अनुसार पर क्राइटेरिया क्या उसकी है। यू विल ऑल्सो स्टडी द रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, बॉडी टिश्यू का रोल क्या है, किन किन मालिक्यूल में उनकी जरूरत पड़ती है, किस प्रोसेस में जरूरी है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पढ़नी है। प्लस सॉइल उनकी कमी हो जाए तो उस कमी से डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, तो डिफिशेंसी दिखाई जाएगी, या मिनरल ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो ये पैराग्राफ ये बताता है कि चैप्टर में क्या ये पैराग्राफ क्या बताता है चैप्टर में क्या। ठीक, आइए एक मेथड क्या लिखा हुआ है, मेथड्स टू स्टडी द मिनरल्स रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, एक वर्ड लिखा है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है बिना मिट्टी के पानी में पौधे को ग्रो कराना। मुझे नहीं लगता यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं किसी ने कभी अपने घर में बोतल में मनी प्लांट की टंडी नहीं लगाई है, किसने किसने नहीं लगाई है या देखा नहीं कभी बोतल में मनी प्लांट की डंडी शौक में ही लगा दी, देखा सबने, इसका मतलब वो क्या है, हाइड्रोपोनिक्स है। उसकी प्रॉपर केयर अगर आपने कर लिया तो वो डाल लंबी भी हो जाती है, मिनरल्स उसमें थोड़े से डाल दिए बाहर से और अच्छी बात होगी, वो है हाइड्रोपोनिक्स। तो चलिए यहां से मेरा अगला क्वेश्चन बढ़िया सा शुरू होता है। 1860 में जूलियस वान शेक जर्मन के बॉटनिस्ट थे, जर्मन के एक और साइंटिस्ट को पढ़ा था किस चैप्टर में, सेल में पढ़ा था, सेल थ्योरी दी थी, कौन थे जर्मन के, श्राइडर जर्मन के थे और स्वान ब्रिटिश के। ठीक, डिमोन्स्ट्रेट फर्स्ट टाइम प्लांट कुड बी ग्रो टू मैच्योरिटी, बताओ किसमें, इन्हें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो कर सकते हैं जहां सॉइल पूरी तरह से एब्सेंट हो। इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये है हाइड्रोपोनिक्स हो गई बेटा, इसमें प्लांट ग्रो कराया जा सकता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो कराया जा सकता है, इसमें आप प्लांट का फ्लावर भी बना सकते हो। चलो ये प्लांट यहाँ पर हो गया है, इसकी ये प्रॉपरली लीव्स दिखाई दे रही हैं, ये प्लांट यहाँ पर ग्रो कर सकते हो, इसे हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, करेक्ट। अब क्वेश्चन दूसरा आया, क्या हाइड्रोपोनिक्स ही कर सकते हैं या इससे कुछ और आइडेंटिफाई किया, समझिएगा ध्यान से। उन्होंने सबसे पहले इसमें केवल मैक्रोन्यूट्रिएंट का यूज किया था, केवल किसका, मैक्रोजिन की ज्यादा जरूरत है, माना मैंने मैग्नीशियम नहीं दिया, पानी में सोल्यूशन मैग्नीशियम नहीं दिया तो प्लांट में मैग्नीशियम से होने वाली कमी दिखने लगेगी, क्यों, कोई भी मिनरल एलिमेंट किसी दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये इसकी क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे को फंक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकता, मैग्नीशियम जगह कैल्शियम यूज नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा, भले ही कैल्शियम कितना भारा क्यों ना हो, तो अगर सोल्यूशन में मैग्नीशियम की कमी कर दी तो सिम्टम्स आ जाएंगे, उन्हें ऑब्जर्व कर लेंगे, उन्हें कागज पर लिख देंगे, फिर मैग्नीशियम हम दे देंगे तो सिम्टम्स दूर हो जाएंगे, हमें पता चल गया कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट में, किस एलिमेंट की सेल में क्या जरूरत है, उसकी कमी से कौन से सिम्टम्स आ जाएंगे। तो हम हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा
केवल यही नहीं पढ़ते हमें प्लांट ग्रो कराना है, बल्कि हम मिनरल की कमी से होने वाले डिसऑर्डर को भी हम स्टडी करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड। आइए क्या लिखा है। हाँ, सिंस देन अ नंबर ऑफ इम्प्रोवाइज्ड मेथड भी डेवलप हुए हैव बीन इम्प्लाइड टू ट्राई एंड डिटरमाइन द मिनरल न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट। कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए आवश्यक हैं। द एसेंस ऑफ द ऑल दीज मेथड इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ प्लांट इन किस कंडीशन में, सॉइल फ्री में कल्चर करना है, डिफाइन करना है मिनरल सोल्यूशन कैसा हो हमारा। दीज मेथड रिक्वायर बोलो प्योरीफाइड पानी चाहिए एंड रिक्वायर्ड मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट चाहिए। क्यों एसेंशियल है तो मैंने भी बताया, आइडेंटिफाई करने के लिए कि अच्छा उसकी मिनरल की मात्रा भी कितनी चाहिए। यही जैसे आपकी बॉडी है, कितना सोडियम अधिकतर आपकी बॉडी में है, कितने ग्राम है बताओ। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में आता है क्या सोडियम, तो एनसीईआरटी किताब पढ़ लो तो मिल जाता है केमिस्ट्री की। मैंने पढ़ा था बायोलॉजिकल एलिमेंट शायद 70 ग्राम चाहिए, और पोटेशियम कितना चाहिए, हाँ 150 के ऊपर के आसपास है, 150 या 60 के आसपास है। आप समझ लो सोडियम भी चाहिए और पोटेशियम भी चाहिए। आयरन कितना चाहिए, ये 6-7 ग्राम के आसपास है। अब कॉपर कितना चाहिए, ये पॉइंट में है। मतलब आप बायोलॉजी को अगर केमिस्ट्री से रिलेट करो तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। तो अब से बेसिकली इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में जहां बायोलॉजी के पॉइंट हो उसे कागज पर नोट कर लेना और यहां आकर के छाप लेना, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको हमेशा रहेगा। वो केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं आते हैं, वैसे क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं आते है ना, केमिस्ट्री में बहुत है तो वो क्या आएंगे, लेकिन वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे जरूरी हो जाता है। चलिए ये क्या है बेटा, डिस्टिल्ड वाटर है, इसमें क्या डाल दिए मैंने, मिनरल्स डाल दिए, पानी प्लस मिनरल मैक्रोन्यूट्रिएंट, ये उसके काइंड्स हैं। किस फॉर्म में डाला, कैल्शियम नाइट्रेट मैग्नीशियम सल्फेट पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में डाला मैंने, सारे एसेंशियल एलिमेंट इसमें हैं। ठीक, ये क्या है, पानी से और CO2 से मिलेंगे ये, प्लस 6 एलिमेंट यहाँ हैं कि नहीं है, कैल्शियम नंबर 1, नाइट्रोजन नंबर 2, मैग्नीशियम नंबर 3, सल्फर नंबर 4, पोटेशियम नंबर 5, फास्फेट नंबर 6, और हो गया बोलो इनों जल्दी से, आयरन भी तो है, आयरन हटा दिया गया, ठीक 6 है ये। आयरन को माइक्रो में पहले रखा जाता था, इसको माइक्रो के नंबर 1 में कर दिया गया। नंबर 1 का मतलब क्या होगा भाई, जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं 9 माइक्रो एलिमेंट है, तो सभी एक मात्रा में जरूरत नहीं है, किसी की मात्रा ज्यादा और किसी की कम। तो आयरन को पहले माइक्रो में रखा गया था, अब उनको माइक्रो में, लेकिन सबसे पहले माइक्रोन सबसे ज्यादा। तो जब जूलियन वॉन शेक या नॉप ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, तब वहां पर उन्होंने आयरन भी सेलेक्ट किया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब आयरन भी उसमें चला गया है, इसलिए यहां पर लिखा होगा, तो ये तो ठीक है। चलो तो ये डाला आपने बेटा, क्लियर, क्या ऑब्जर्व किया, इनमें प्लांट की ग्रोथ हो रही है। अगर किसी को हमने कम कर दिया तो उसकी वहां पर कमी दिख गई, मैंने ऐड कर दिया कमी दूर, तो मुझे मिनरल की डिफिशिएंसी का भी पता इस तरीके से लगा सकते हैं, या हम लगा लेंगे। एनी डाउट, वो लिखा होगा यहां पे देखिएगा, आफ्टर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच द रूट ऑफ द प्लांट्स वर इमर्ज इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एंड वेयर इन ए एलिमेंट वाज एडेड सबमिटेड या बेटा रिमूव या गिवेन इनवेरिएट कंसंट्रेशन मिनरल सॉल्यूशन में हमें पता चल जाएगा जो आगे लिखा हुआ है क्या पॉइंट है। सुटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ वाज ऑब्टेन्ड,
कौन सा मिनरल एलिमेंट प्लांट के लिए, ग्रोथ के लिए और कहाँ पर एसेंशियल है, जरूरी है। मुझे लगता है क्लियर होगी बात। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पढ़िएगा बिल्कुल बढ़िया सा। By this method, essential element were identified and their deficiency symptoms को भी हम discovered कर लेंगे। तो ये हुआ इसका बेटा significance क्या है, यानी significance यानी महत्व of hydroponics। Clear ना, क्या महत्व है, हम कौन सा essential element किस growth के लिए जरूरी है, ग्रोथ के किस फंक्शन के लिए और डिफिशिएंसी सिम्टम भी पता कर लेंगे। हाइड्रोपोनिक्स हैज बीन सक्सेसफुली इंप्लाय हुआ है कमर्शियल प्रोडक्शन में भी। तो क्वेश्चन एक और आया कमर्शियल प्रोडक्शन, बेटा कमर्शियल यूज कहाँ हुआ है, ये आपने पढ़ लिया बेटा। क्या कमर्शियली हम कुछ प्लांट ग्रो कराए हैं, तीन नाम दिए बेटा इन्होंने, टमाटर, कुकम्बर और लेट्यूस, TLC है ना, TLC, टोमेटो, लेट्यूस और कुकम्बर, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट TLC। क्लियर, चलो मैंने तो यहां पर चना उगाया था बेटा, एक बार भूल जाते हैं, इस बार हम सोचते थे चना, और चने का पेड़ भी हुआ, फ्लावर भी आए और तीन फली भी लगी चने की, उसी हाइड्रोपोनिक्स में। मैंने यही बन गया अपनी क्लास में, अब वीडियो हो सकता है 3-4 साल पुराना पड़ा हो तो कहीं मिल जाएगा, बना के डाला होगा तो डाला तो था शायद, ऑनलाइन नहीं था उसके पहले का। तो हाइड्रोपोनिक्स से सब हो सकता है, हाँ प्रोडक्टिव, हमने कोई मिनरल नहीं डाला, तो पानी बदल देते 8-10 दिन में बस, डाला होता तो और फूल आते और अच्छा हो जाता, ऐसे मजाक में कर लिया था। ठीक है, इट मस्ट बी एम्फसाइज दैट द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी, बोलो एयर देना जरूरी है। तो ये सिस्टम बना हुआ है टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए बहुत चीजें जरूरी है बेटा। व्हाट विल हैपन द सॉल्यूशन, आप देख लीजिए क्या क्या लगा, प्लांट लगा है, एयर दे रहे तरफ से, सॉल्यूशन डाल रहे तरफ से, साफ सुथरा सब दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, मिनरल शब्द लग गया है, इसका मतलब वो एलिमेंट जो सॉइल से मिल रहे हैं, इन्हें मैंने सॉइल से प्राप्त होने लिख दिए हैं, इतना सफिशियंट है आपके लिए। मोस्ट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल कैन एंटर द प्लांट थ्रू द बेटा रूट से ही मिलेंगे, ठीक है। इनफैक्ट मोर देन 60 निकल गया है आपने बेटा पीछे, 105 डिस्कवर्ड में से डिफरेंट प्लांट में कितने मिलते बेटा, 60 से ज्यादा। कुछ प्लांट में बेटा कौन कौन से एक्यूमुलेट हैं, जहां सिलीनियम मिला, कहीं पर गोल्ड मिला, क्लियर, स्ट्रॉन्शियम भी मिला, 105 60 कौन कौन से एक्यूमुलेट है, सिलीनियम, गोल्ड, स्ट्रॉन्शियम। और एक क्वेश्चन है, आप कितनी कम मात्रा को भी डिटेक्ट कर सकते, मतलब आपके पास जो मेजरमेंट यूनिट है कितनी जबरदस्त, देखिए 10^-8 ग्राम पर ml, आप समझिए कितने जीरो लग जाएंगे, वहां तक हम डेटा कपा दें माइनस पॉइंट के बाद। ये टेक्निक आपके पास आ गई, ये भी बहुत 10^-8 ग्राम पर ml, इसको ध्यान रखना, कोचिंग को ग्राम को मिलीग्राम कर देंगे, ml को लीटर कर देंगे, गलत हो गया। चलिए, द क्वेश्चन इज वेदर ऑल द डाइवर्स मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिलीनियम, ये रियली नेसेसरी फॉर द प्लांट है, कैसे डिसाइड करोगे, अब इसका पता लगा, आज का पता लगा भाई, प्लांट में है तो लेकिन किसी मेटाबॉलिक एक्टिव भाग नहीं ले रहा तो एसेंशियल थोड़ी हुआ है। आ गए, क्यों आ गए, हमारे फैमिली आ गए, कोई काम दिया गया, नहीं नहीं कोई काम नहीं, तो चलो बैठो। तो सिलीनियम का क्या काम, आ गए, हाँ आ गए, काहे आ गए,
अरे अफजाल हो गए सब थे, हम भी जा रहे थे, हमने कहा चलो तो हम भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो 17 एसेंशियल बाकी सब आ गए वाले, ठीक है ना, चलो क्लियर हो गया। अब क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या है, 3 पॉइंट है बेटा इसमें, कितने कैटेगरी पॉइंट है, 3। देखो पहला क्या लिखा है, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एनिमल, 3 पॉइंट है। पहला, मिनरल नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी। नंबर दूसरा, स्पेसिफिक फंक्शन सबका होता, उसे रिप्लेस नहीं कर सकता कोई एलिमेंट किसी दूसरे के द्वारा। और तीसरा है, डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। 3 पॉइंट बोल दो जल्दी से। ठीक, मिनरल्स नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। नंबर दो, किसी एक मिनरल को दूसरे से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म भाग लेते हैं। भैया केवल खड़े रहोगे आकर तो भीड़ बढ़ाओगे तो आपका मतलब बिल्कुल नहीं है, जो काम कर रहे हैं उनकी बात करो, ये क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है। ठीक, किसी ने कहा थे, आए तो थे, काम किया नहीं तो तुम्हारा आना बेकार था। वैसे 60 एलिमेंट टोटल है, उसमें 17 ही केवल एसेंशियल। अब हर प्लांट में 60 नहीं, भी ध्यान रखिएगा, अगर वहां की सॉइल में है ही नहीं तो एसेंशियल केवल 16-17 है। क्लियर हो गई बात, हमने कहा बड़ा सरल चैप्टर है ना, सरल, अब तक तो कठिन ही नजर आया। ये अपॉइंटमेंट दोबारा लिख दिया है, एलिमेंट टोटल कितने, 105 एसेंशियल एलिमेंट बेटा, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट जो सॉइल से मिल रहे हैं, CH2 नहीं है उसमें, बाकी है ना, सेमी एसेंशियल बेटा नाइट्रोजन, क्योंकि वो सोर्स उसका एटमॉस्फेयर है लेकिन लेते सॉइल से। ठीक, एक क्वेश्चन आया आंकड़ा, ये लिखा है क्वांटिटी के बेसिस पर एलिमेंट को 2 प्रकार से बांटा गया है, माइक्रो और माइक्रो, क्वांटिटी बेसिस पे बोलो कौन से, माइक्रो एंड माइक्रो। तो पहला लाइन है, बेस्ड ऑन द अबव क्राइटेरिया ओनली फ्यू एलिमेंट हैव बीन फाउंड टू बी एब्सोल्युटली एसेंशियल, मतलब तुम नहीं आओगे तो जान दे देंगे वाला हाल है कि नहीं, नहीं आओगे तो जान दो, एब्सोल्युटली एसेंशियल है ये फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो 17 है, तो क्वेश्चन ये आया कि 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी के बेसिस पर 2 है बेटा एसेंशियल, माइक्रो एंड माइक्रो। अगर ध्यान से देखिएगा, 1 किलोग्राम लकड़ी का टुकड़ा ले लो, ले लिया, बोलो ले लिया ना, उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुखा लो, ड्राई वुड मिल गया, 600 पर उसे जला दो, मिनरल मिला प्लांट ऐश। उसमें अब वेट तय करो कौन सा मिनरल कितना है, 1 किलोग्राम में 10 मिलीमोल से ज्यादा है तो माइक्रो, कम है तो, 1 किलोग्राम लकड़ी में 10 मिली मोल से अगर वो ज्यादा है तब माइक्रो, कम है तब माइक्रो। इसी कैटेगरी में आयरन बेचारा माइक्रो में आ गया, बोलो किस में आ गया, माइक्रो में। क्या करते, ठीक, हमारी बॉडी में सोडियम बहुत है लेकिन प्लांट को सोडियम नहीं चाहिए, गजब अंधेर है यार, ये प्लांट को सोडियम नहीं चाहिए, नहीं है उस कैटेगरी में, हमें खुद चाहिए। 2 लोग कितना डिफर हो गए सोडियम के चक्कर में, अब प्लांट को क्यों नहीं चाहिए, सवाल ये भी हुआ है ना। हम तो जब समुद्र में बने तो अपने ETS में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम उसे रखे हैं, अभी भी सोडियम बहुत मात्रा में है,
प्लांट कहाँ गया? धरती पर आ गया। अब उसे समुद्र की जरूरत रही नहीं, निश्चिंत रूप से चल रहा है। तो आइए ये दो पॉइंट क्या कर लो, कौन कौन से हैं वो लोग, सी एच ओ, एन पी के और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, तीन तीन टुकड़ों में याद कर लो, सी एच ओ, एन पी के, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। ये माइक्रो में है, संख्या इनकी नौ है। माइक्रो में पहला आयरन है, आखिरी निकिल है। आयरन है, एमएन है, सीयू है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, बोरॉन है, सीएल और एलआई। यहाँ नाम ही लिखे हैं और कुछ नहीं है बेटा। सीएचओ इनसे प्राप्त होते हैं, वो लिखा हुआ है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स छः हैं माइक्रो में, छः मिनरल हैं, बाकी तीन सी टू वाटर से हैं। तो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन लिख लेना। क्वांटिटी के बेसिस पर दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। अगर लेस देन 10 मिली मोल पर किलोग्राम ड्राई वेट मिनरल्स होगा तो उसकी माइक्रो में रखेंगे। लास्ट वाला बेटा निकिल है, क्वेश्चन को फॉर्म किया, फ्रेम किया गया। फिर क्वेश्चन है अगला, बेनिफिशियल एलिमेंट बताओ। अभी अपने क्वांटिटी बेसिस बताया बेटा, आप बोलो बेनिफिशियल एलिमेंट बताइए। आप बेनिफिशियल एसेंशियल नहीं है, आएंगे तो कुछ फायदा हो जाएगा, बस जरूरी नहीं है, आएंगे तो कुछ वेटेज मिल जाएगा, वो एसेंशियल। चलो उनके नाम गिन लो बेटा। 17 के अलावा एडिशन लिखा है, 17 के अलावा सम प्लांट में होंगे, सब जगह होंगे भी नहीं, सोडियम, सिलिकन, कोबाल्ट और सिलिकॉन। किस में रख दिएगा बेटा? ये बेनिफिशियल में कर लोगे बेनिफिशियल, ठीक याद कर लेना, और ज़्यादा नहीं। अब वो भी किस में चाहिए बेटा? हायर प्लांट बोला है, सेंसल वाले किस में बताई नहीं, हायर प्लांट, लोअर प्लांट की बात से ये स्टेटमेंट बोला तो सही करा देंगे, देखना। इस हायर को लोअर कर देंगे आप कह दोगे लो किताब में लिखा था भूल गए। तो पहला क्या था बेटा? क्वांटिटी के बेसिस पर दो कैटेगरीज, दूसरा बेनिफिशियल के बेसिस पर नाम बताना है, तीसरा ये फंक्शन के बेसिस पर चार प्रकार के। क्वांटिटी के बेसिस पर बेटा दो कैटेगरीज हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, बेनिफिशियल में चार एग्जांपल हैं, एंड फंक्शन बेसिस पर चार कैटेगरी हैं। पीछे क्वेश्चन स्पेस में क्या लिखा है? पहला पॉइंट, क्वांटिटी के बेसिस पर दो कैटेगरी हैं जिनमें 17 को बांटा गया है, मैक्रो एंड माइक्रो, बेनिफिशियल में केवल चार एग्जांपल है, फंक्शन पर बेटा तीन कैटेगरी, चार कैटेगरी। पहली कैटेगरी बहुत सिंपल से लिखा है, ध्यान सुनना, एनर्जी रिलेटेड होता है। पहली कैटेगरी बोलो बच्चों, दो लिखे हैं बस। क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, तो उस मैग्नीशियम की उपस्थित मात्र इस क्लोरोफिल को लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए कहती है, और लाइट फिर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में बदल जाती है इस मैग्नीशियम के कारण। इसलिए रेडिएंट जब प्लांट में केमिकल में बदलती है, उसमें मैग्नीशियम जरूरी है। इसलिए से क्या कहा बेटा? एनर्जी रिलेटेड, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एनर्जी रिलेटेड। फिर से देखना, मैं बता रहा हूं क्लोरोफिल को, ये बेटा है, इसका नाम है पायरोल, इसका नाम है फाइटोल, इसे हेड कहते हैं, इसे टेल कहते हैं, बोलो हेड टेल। यहां पर चार पायरोल रिंग है बेटा, एक फाइटोल टेल है, इसमें कार्बन 55 है, करेक्ट, हाइड्रोजन है 70 या 72, अलग अलग क्लोरीन, इस करेक्ट, नाइट्रोजन है 4, अब मैग्नीशियम है सेंटर में 1, ठीक। लाइट एनर्जी गिरी, इसने इलेक्ट्रॉन एमिट किया, अब आगे एनर्जी बनेगी, मतलब ये मैग्नीशियम इतना एसेंशियल हो गया कि रेडिएंट एनर्जी को केमिकल में बदलने के लायक हो गए, तो मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट। क्लोरोफिल को फोटोसिंथेसिस में बताएंगे, मैंने छोटा सी बात है यहाँ पर प्रेजेंट है, तो कार्बन 55 है, हाइड्रोजन 72 है, नाइट्रोजन 4 है, मैग्नीशियम 1।
ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। तो क्वेश्चन ये रहा कि पहला बोलो, अच्छा ये हमने ये बताना था, ये सॉरी एनर्जी रिलेटेड बोल देता हूँ, एनर्जी रिलेटेड दो मेंशन हो गया, दूसरा फास्फोरस एटीपी में होता है। अब ये एनर्जी बेटा कहाँ स्टोर हुई, एडनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस ये एनर्जी प्लस फास्फेट बराबर एटीपी, तो फास्फेट हो गया, तो मैग्नीशियम और बेटा फास्फेट, ये दो पॉइंट हमें यहाँ याद रखने चाहिए। तो चलो बना रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, पहला क्या लिखा था, कंपोनेंट ऑफ बायो मैक्रो मालिक्यूल्स या मालिक्यूल, बायो मालिक्यूल्स कौन कौन से हैं, तब नाम दोगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट में मिलेंगे, दूसरा बेटा फैट में, तीसरा बेटा प्रोटीन में, और चौथा न्यूक्लिक एसिड में। हालांकि न्यूक्लिक एसिड यहाँ कंसीडर नहीं किया गया, यहाँ तीन ही है हमारे लिए जरूरी, ठीक है। ये बायोमॉलिक्यूल में चार एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो पहला क्या था बेटा, क्वांटिटी के बेसिस पर दो कैटेगरी, बेनिफिशियल में दो, चार एग्जाम्पल, फंक्शन में चार कैटेगरी। पहली कैटेगरी बायोमॉलिक्यूल्स में कंपोनेंट का होना CHON, दूसरी कैटेगरी एनर्जी रिलेटेड में मैग्नीशियम क्लोरोफिल में और फास्फेट एटीपी में, और तीसरी बेटा एंजाइम्स का एक्टिवेट। यहाँ जितने लिखे वो याद कर लो, मैग्नीशियम एंजाइम एक्टिवेटर और रूबिस्को एंजाइम, मैग्नीशियम आल्सो पेपको, ये बेटा C3 साइकिल C4 साइकिल में काम आएंगे फोटोसिंथेसिस के, ZN एल्कोहल रिहाइड्रोजिनेस मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनेस के लिए, रटना है इसमें, क्लियर। तो इस पेज का पेज आया, पेज नंबर याद करो बेटा कौन सा है, पेज नंबर कौन सा है, 196 में पहला क्वेश्चन, मिनरल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, दो कैटेगरी, मिनरल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियल नहीं बेनिफिशियल, चार एलिमेंट्स चार एग्जांपल, तीसरा क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, चार कैटेगरी, पहली मैक्रो मॉलिक्यूल के कंपोनेंट्स, दूसरी एनर्जी रिलेटेड, तीसरी एंजाइम्स एनर्जी रिलेटेड में MG और फास्फोरस, एनर्जी रिलेटेड में और बायो मॉलिक्यूल के कंपोनेंट में CHON, एनर्जी रिलेटेड में MgNP और एंजाइम्स में यहाँ पर तीन लिखे हैं MG ZN MO, ये रट डालो आप। चौथा बेटा ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बनाने वाला, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल में आयन होंगे तो भी बेटा सॉल्यूट बढ़ेगा, यस, किसी भी सेल में आयन बढ़ेंगे तो सॉल्यूट बढ़ेगा, यस या नो, सॉल्यूट बढ़ेगा तो ओपी बढ़ेगा ना, रूट हेयर में यही तो कहा कि आयन आ रहा है तो सॉल्यूट बढ़ रहा है, ओपी बढ़ रहा है, पानी अपने आप आ रहा है। तो पोटेशियम और CL, बहुत छोटे पेज, बहुत पेज याद हो गया कि नहीं याद हो गया, बिल्कुल। पहला पॉइंट क्या है, पहला है कि अमाउंट के बेसिस पर, क्वांटिटी के बेसिस पर कितनी कैटेगरीज हैं, दो, फंक्शन के बेसिस पर कितनी कैटेगरी हैं, चार, बेनिफिशियल एलिमेंट चार एलिमेंट, बात खत्म, तीन ही क्वेश्चन थे, ये चौथा था, तीन ही थे, तीन तरीके के थे, एलिमेंट याद कर लेंगे, आगे बढ़ जाओ। रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो, ये थोड़ा सा हैवी काम है, ठीक, क्या लिखा है, रोल ऑफ, हाँ इतने क्वेश्चन है बेटा, पहला एलिमेंट्स के नाम बताओ, दूसरा उसका सोर्स क्या है, तीसरा किस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होता है, चौथा वो एलिमेंट क्या किसी मॉलिक्यूल का कंपोनेंट है, जैसे मैग्नीशियम क्लोरोफिल का, आयरन हीमोग्लोबिन का, फिर वो क्या किसी एंजाइम का एक्टिवेटर है और उसका फंक्शन क्या है, उसके द्वारा क्या कोई कमी का सिम्टम है या उसको
टॉक्सिक है, एक एलिमेंट की कितनी गाथाएं हैं, तो कठिन तो वही है। और हर साल एक क्वेश्चन आता है और आता है। ये वो चैप्टर है कि लास्ट ईयर इसके पांच चैप्टर इस यूनिट में बेटा, लास्ट ईयर ऐसा रहा है जिसमें 10 से ज्यादा क्वेश्चन इस यूनिट से आए, 12 या 13, बाकी कभी 7 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आए, कभी कभी तो कोई चैप्टर गायब ही रहता था। ये उसमें हमेशा अपनी उपस्थिति बनाए रखा था कि हम 2 या 3 तो आएंगे आएंगे चाहे कुछ हो जाए। इस चैप्टर ने अपने आप को जीवित रखा और पिछले साल तो धुआंधार क्वेश्चन आ गए, 13-14 क्वेश्चन आ गए। तो बताओ बेटा कितनी चीजें बता दी हमने, जल्दी बोलो बेटा। पहला एलिमेंट का नाम बता दो, अब उस एलिमेंट पे कितने क्वेश्चन, सोर्स एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में है, मतलब जिसे कह दिया सोडियम है, क्या बोलते हैं कि आयरन फेरस भी और फेरिक भी, अब किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखो कि एलिमेंट चाहे कोई भी हो, अगर दो फॉर्म है तो उसमें किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरा कंपोनेंट्स किस ऑर्गेनिक मैटर में है और नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्टिवेटर फंक्शन डिफिशियंसी और टॉक्सिसिटी, फिर फंक्शन कितने हैं, इतने फंक्शन हैं, किसी एक का नहीं, मिला जुला के जो फंक्शन दिए गए हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस में भाग ले रहा है, मेम्ब्रेन की परमिटिविटी को बढ़ा रहा है, क्या कोई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, तो फास्फेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, आयरन है कॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, है ना, और क्या है बफर एक्शन, एंजाइमेटिक एक्टिवेटर या फिर कंपोनेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, इतने फंक्शन दिए हैं टोटल। अब आप क्या करोगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस में जहां जहां लिखा हो उसके नाम लिख दिए, परमिटिविटी कौन बढ़ा रहा उसके नाम यहाँ लिख दिए, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कौन बढ़ा रहा इसके नाम लिख दिए, तो फंक्शन लिख दिए तो आपको अपने आप याद होगा ये काम ये कर रहा, ढूंढ के लिखना है आपको। तो पहले तो आप ये लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे मिनरल के नाम लिखोगे, आसान हो जाएगा, आसान नहीं बहुत आसान हो जाएगा। ये क्या दे दिया हमने आपको, हमने दे दिया क्वेश्चंस दे दिए कि देखो इस फंक्शन को 3 एलिमेंट काम कर रहे हैं, कभी कभी दे दिया ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है और एलिमेंट 3 दे दिया, ऑल ऑफ दिस दे दिया, या ये और ये, या ये और ये, या ये और ये, या ऑल ऑफ दिस। तो ये झंझट से बचाने के लिए इतने बड़े चार्ट में ये निकालना पड़ेगा, तो क्वेश्चन पता हो जाए आपको तो आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद बेटा देखो ये चीजें हैं आप लिख लेना भी, ठीक, ये फंक्शन देखो दिए हैं, चलो ऊपर से पढ़ो जरा सवाल में, यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट जो यहाँ दिया हुआ है उनसे हमें यहाँ पर समझना है। महेंद्र प्रसाद अच्छा भाई, नमस्ते सर, मैं भी आ गया, आपका सबसे अच्छा बेटा, चलिए वेलकम है बच्चे, आ गए हो, जब आ ही गए हो तो क्या करना है ना, आनंद उठाओ भाई, ठीक। तो जब ध्यान से सुनिएगा, ये पार्ट एक क्वेश्चन आना तय है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमने उसकी कैटेगरी बता दी कि क्वेश्चन का फॉर्मेट ये आएगा, ठीक है ना। अब इसमें हमें याद कैसे करना है, मैंने लिखा नहीं तो याद भी नहीं होगा, हमें भी नहीं याद है, ठीक, जब क्वेश्चन आ जाएगा तो देखेंगे हाँ ये है, ओके। एसेंशियल एलिमेंट परफॉर्म करते हैं सेवरल फंक्शन, काम खत्म हो गया, ये तो क्वेश्चन ही बनेगा। दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है भैया, मेटाबॉलिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। इन द प्लांट सच एज परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, तो बताओ क्या कौन सा मेम्ब्रेन, कौन सा एलिमेंट परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन में काम कर रहा है, या दूसरा बोलो बेटा मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक, अभी लिखा था पोटेशियम क्लोराइड यार, उसे नहीं पढ़ा था फंक्शन, या सेल शेप में, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, आयरन कॉपर तो सबसे जबरदस्त है, ईटीएस में काम करते हैं, या बफरिंग एक्शन,
या एंजाइमिक एक्टिव, अभी आपने तीन एलिमेंट पढ़े, या मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ द मैक्रोमालिक्यूल में, या कोएंजाइम का कौन सा पार्ट, तो ये फंक्शन थे। अब चलिए इसको बहुत अच्छे से बगल में हमने लिख दिया है। चलो पहला, हर एलिमेंट के मैंने दो बातें लिखी है यहां पर। आपको पहला पॉइंट क्या दिख रहा है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो रहा है नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम में। इसकी रिक्वायरमेंट कहां कहां है बेटा? नाइट्रोजन इज द पार्ट ऑफ एमिनो एसिड, सो दे आर द पार्ट ऑफ प्रोटीन, एसेंशियल फॉर ग्रोथ, इसके बिना कुछ होना नहीं है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल में होना जरूरी है, मेटाबॉलिक एक्शन में तो भाग लेना ही लेना है। एमिनो एसिड प्रोटीन में है, न्यूक्लियोटाइड में है जो न्यूक्लिक एसिड है, हार्मोन्स में भी है, विटामिन्स में भी है, यही लिखा है, यही हमें पढ़ना है, दैट्स ऑल, खत्म बात। तो मैंने इसी चीज को बगल में लिखा है और आसानी से आपको याद हो जाएगा बेटा, ठीक है? तो ये नोट कर लेना आराम से, फॉर्मेट बहुत अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन बेटा, फास्फोरस, फिर वही बात आई, एब्जॉर्ब इन द फॉर्म आपको तो दोनों दोनों फॉर्मेट हैं, H2PO4-4-2-1N2, ठीक है। अब फास्फोरस कहाँ पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था, फास्फोलिपो प्रोटीन, तो आपका वो क्वेश्चन है। दूसरा बेटा, कुछ प्रोटीन्स में है सर्टेन कंजुगेटेड प्रोटीन, जो बनेगी उसमें मिल जाएगी, न्यूक्लिक एसिड में है ही है, एटीपी में है ही है, तो ये क्वेश्चन होगा, इतना ही लिखा है। और सच बताएं, फास्फेट इतना ही थोड़ी है, फास्फेट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एग्जाम में इससे ज्यादा आता ही नहीं। तो जिसके बारे में जितना लिखा है उतनी ही जानकारी आप रखिए, उसके पूर्वजों पर मत जाइए, हाँ उसके बारे में देखिए, उसके मम्मी पापा के बारे में मत पूछिए, ये वो खेल है। आइए पोटेशियम बता दो बेटा, पोटेशियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन कौन सा हो गया, नाइट्रोजन में लिखा था, हाँ बड, और क्या लिखा नेक्स्ट, लीव्स, और क्या लिखा है, एनायन्स कैटायन के फॉर्म में, हाँ तो एनायन कैटायन फॉर्म में सेल सैप में होकर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बना रहा है, ठीक है ना। और लिख दिया होगा, यहाँ ये नहीं लिखा होगा, हमने लिख दिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखा तो है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में मैंने एक्टिव सोडियम पोटेशियम थ्योरी बताई थी या नहीं बताई थी, तो मुझे ज़रा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, शायद ट्रांसफर्शन वाले मुख चीज मैंने डिस्कस नहीं की है, फिर ये मैं बता देता हूँ अभी, हैं हाँ, तो वो बताना चाह रहे हैं, किताब में था नहीं तो मिस हो गया होगा, अब देखिए जरा, वो अभी बोल देंगे जरूरी है, ये क्या है बोलू, गार्ड सेल, अंदर की वाल मोटी, बाहर की वाल पतली, ये तो सबको पता है। और स्टोमेटा खुलने के लिए एक प्राइमरी चीज है, इसमें क्या होना, टर्गर प्रेशर का ज्यादा होना, जिससे कि पतली दीवार पर फोर्स लगे तो मोटी दीवार भी बाहर खींच जाए, ये चीज है किसके लिए, स्टोमेटा के ओपन होने के लिए। अब अंदर टीपी कब बढ़ेगा, जब अंदर बेटा पानी जाएगा, अब पानी तब जाएगा जब अंदर सॉल्यूट होगा। तो मैंने दो बातें हैं पढ़ाई, पहली स्टोमेटा खुलेगा क्यों, क्योंकि जब वो टर्जिड होगा, दूसरा क्वेश्चन था टर्जिड क्यों होगा जब अंदर पानी होगा,
भैया पानी क्यों होंगे जब अंदर सॉल्यूट ज्यादा होगा, और सॉल्यूट कौन होगा, कोई भी हो सकता है। तो पहला कॉन्सेप्ट दिया था ह्यूगो वान मोल ने, ठीक, और वान मोल ने ये कहा कि दिन में फोटोसिंथेसिस होती है, शुगर बनता है, ओपी बढ़ता है, पानी अंदर जाएगा, स्टोमेटा खुल जाएगा। तो ये तो हो गए, अब इनके पीछे लोग पड़ गए, पढ़ ही गए, स्टोमेटा रात में भी खुलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, कहीं हर जगह शुगर नहीं होता। दूसरे आ गए, लाइट और सेहरे आ गए अपनी बात को लेकर के, कहने लगे स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन, कहने लगे दिन में शुगर बनता है, 1000 मालिक्यूल है सेल में, तो 1000 सॉल्यूट हो गया, यस ओपी बढ़ गया, पानी अंदर आ गया, टीपी बढ़ गया, स्टोन खुल गया। इन यही शुगर रात में स्टार्च में बदल जाता है, अब 1000 मालिक्यूल एक में बदल गए, नंबर ऑफ सॉल्यूट घट गए, ओपी कम हो गया, पानी अंदर नहीं रहा, स्टोमेटा बंद हो गया। तो पहला फोटोसिंथेटिक थ्योरी में शुगर बना, अच्छी बात। दूसरा स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी में ये कहा गया कि दिन में शुगर है इसलिए ओपन है, रात में स्टार्च बन गया इसलिए बंद है। इनके भी पीछे लोग पड़ गए, कि हमने तो गार्ड में सेल में देखा नहीं कि स्टार्च बना हो, वो कैसे कह सकते हो, उसमें भी खुलते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। भैया ठीक है, तुम अपना प्रूव करो। तीसरे वाले आ गए, स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्ज में ओपी भी ये तो ही रहा, एचएन कंसंट्रेशन के बेसिस भी बोला गया और पीएच पे भी बोला गया, तो उसमें लाइट भी है, सेरे भी है, स्टीवर्ड भी है, तीनों इन्वॉल्व है। यहां थ्योरी आपको जरूरत नहीं, बस स्टार्च शुगर याद रखो। फिर तीसरे वाले जबरदस्त आए, इनको हटाया गया, भैया तुम सही नहीं हो, अपवाद हैं, इसलिए तुम्हारी थ्योरी नहीं चलेगी, स्टार्च शुगर कहीं हम महान, हमने दिन में खुलना और रात में बंद करना भी बता दिया, ये तो दिन में यही बता रहे हैं, हम डबल वाले हैं, हमें मानो, मानो ना, कहें अच्छा बताते हैं। तो कुछ और आ गया, कहें बेटा कुछ गार्ड सेल में स्टार्च बनता ही नहीं है, तुम कहाँ कहीं रहे हो, निकलो चलो हम बताते हैं। कहें क्या, कहने स्टोमेटा रात में खुलते हैं, उनका क्या, कहें हाँ तुम तो फेल हो गए, हम तो रात में बंद होना बता रहे हैं, फेल हो गए, चलो तुम भी बता दो। एक्टिव सोडियम एक्टिव पोटेशियम एक्सचेंज इन्होंने क्या कहा, मैं कैंप प्लान विषय में बोलता हूं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि रात के समय ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनती है, और पाइरुविक एसिड CO2 लेकर के मैलिक एसिड बनाती है, और मैलिक एसिड मैलेट आयन में टूटता है प्लस HN में टूटता है, HN यहां से बाहर जाता है, उसके अंदर पोटेशियम आता है, ये दोनों भाई बहन मिल करके पोटेशियम मैलेट बना देते हैं, और तब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तब स्टोमेटा खुलते हैं, तो सोडियम एक्टिवली अंदर आता है। इन्होंने प्रूव किया, इनका मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी मानी गई। फायदा क्या रहा, फायदा ये रहा इसमें फोटोसिंथेसिस का कोई जिक्र नहीं है, नंबर एक क्लियर। नंबर दो, स्टोमेटा रात में खुल रहा है, फिर कहें रात में खुलने से फायदा क्या है यार, कहें देखो दिन में टेम्परेचर ज्यादा होने वाटर का लॉस ज्यादा हो जाता है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो दिन में हम बंद रखेंगे रात में खोलेंगे। अरे रात में खोलोगे फायदा क्या है, हम तो ये कह रहे ना, नुकसान तो बचा लिया, फायदा क्या है, क्या नुकसान तो बचाया, क्या हाँ ये एक फायदा तो है कि आपने नुकसान बचा लिया, फायदा भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन फायदा भी वो भी तो देखो, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, मतलब एक होता नुकसान होना, मतलब आपको क्वेश्चन निगेटिव करना, एक होता है नेगेटिव ना करना, तो एक नंबर तो बचा लिया आपने जो जा रहा था एक्स्ट्रा वाला, तो कहने का फायदा क्या, नुकसान बचाया यार, सब क्वेश्चन लगा के चले आते हो, ये भी आ रहा, अरे नहीं आ रहा तो ना लगाओ, तो अपने घर से भी एक नंबर माइनस में चला जाता है,
हाँ ये बात तो सही है। तो पहले तो आप टिक करना, क्यों अंजलि ने लगता क्या है, आ रहा चलो टिक, आ रहा चलो टिक, आ रहा चलो टिक, लेकिन वो पूरा कैलकुलेशन नहीं हुआ, सारी बातें पढ़ी नहीं, गलत हो जाता है। तो यहाँ क्या कहा, पहले तो बोलो नुकसान बचाया ना हमने, फायदा तो अभी गिनाएंगे गिनाएंगे, पहले तो नेगेटिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना किया जाए, फायदा बाद में गिन लेंगे। तो यहां वो फायदा, रात में हमने लॉस बचाया, अब फायदा क्या, ध्यान से सुनिएगा। रात में जब इंस्ट्रूमेंट खुलता है तो बाहर से क्या आती है, CO2 आती है, मतलब रात में हम CO2 ले लेते हैं, एटमॉस्फेयर को मस्त बना देते हैं, यार कमरे में रखो इस पौधे को, एटमॉस्फेयर CO2 कम कर देगा, क्या बात बताइए यार, मजा आ गया। अभी खरीद के लाते हैं, दो कमरे में रखेंगे, CO2 को कम करता है, फिर क्या करेगा, CO2 को लेकर मैलिक एसिड और मैलेट बना लेगा, ये स्टोर है, मैलेट स्टोर, मैलेट बन रहा है, तो इसने क्या कंजर्व किया एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, इन जरूरत क्या करें यार, दिन में क्या होगा पता, दिन में स्टोर बंद रहेंगे तो बाहर से CO2 मिलेगी तो है नहीं यार, दिन में अगर स्टोमेटा बंद होगा तो बाहर से CO2, तब क्या करोगे, जो स्टोर्ड से कार्बन है उसको वापस बुला बदल देना पायरुविक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, और दिन में फिर ग्लूकोज बना लेना बेटा, मतलब रात में क्या करोगे, CO2 को स्टोर करना, और स्टोर्ड CO2 को दिन में अंदर ही अंदर निकाल देना, और भोजन बना लेना। तो इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड है जो दिन में फोटोसिंथेसिस कर लेगी, सारे प्लांट में दिन में जिसमें स्टोमेटा खुलते हैं, दिन में जिनमें स्टोमेटा खुलते हैं वो क्या करते हैं, बाहर से CO2 लेकर के उन्हें बनाते हैं, इन जिनमें दिन में खुलते ही नहीं वो CO2 कहां से लाएंगे, तो स्टोर कर लिया है, तो इनके दो फायदे मिल गए हमें, इसलिए बेटा हम रात में स्टोमेटा खुलते हैं कि हम CO2 को कंजर्व कर सके, पहला दिन में बंद हुए तो लॉस ऑफ वाटर को बचाया, रात में खोला तो CO2 का कंजर्वेशन किया, तो दो फायदे होते हैं रात में खुलने वाले स्टोमेटा के, ठीक है। तो ये बात है, तो यहां पर पोटेशियम का रोल यहां पर आ जाता है, ठीक है। तो एक्टिव पोटेशियम एनर्जी खर्च होती है, ये चीज बेटा फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन के साथ बताएंगे, और इकोलॉजी में दोबारा पढ़ा था, कैम प्लांट कहते हैं, कौन से प्लांट, क्रेसरेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये प्लांट सकुलेंट होते हैं, मतलब इनकी पत्तियां रसदार होती हैं, जैसे एलोवेरा आप देखते हैं ऐसे पत्ते, तो एलोवेरा के प्लांट को आप घर के अंदर बोलो बेटा रख सकते हो, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगा एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड। आइए, तो यहां पर क्या पढ़ाया था मैंने, बोलो पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने में है ना, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम है, टर्जिडिटी में भी है, ये पॉइंट यहां लिखे हुए हैं, सारे पॉइंट को मैंने साइड में मेंशन किए, कैल्शियम की जरूरत मेरिस्टमेटिक टिश्यू में है, इनको लिखने के बाद सारी मेरिस्टमेटिक कहाँ कहाँ वो याद कर ले, अलग लिख लेना ऊपर जो लिखा था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द टिश्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन में कैल्शियम आयन स्पिंडल फाइबर के अरेंजमेंट में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में, और साथ में कैल्शियम पैक्टेट बनाता है मिडिल एमला में, जो वहां भी यूज हो जाएगा, मिडिल एमला लिखा है नीचे, सेल डिवीजन अलग है, मिडिल एमला स्पिंडल फाइबर बनाने में भी है, इसे ऊपर वाला पॉइंट सेल डिवीजन, और मिडिल एमला अलग लिखा हुआ है, ये देखो माइटोटिक स्पिंडल लिखा हुआ उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है ना, और एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और दूसरा फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में भी है, और साथ में क्या दिया है, फंक्शनिंग ऑफ द सेल, नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में, और एंजाइम्स की एक्टिविटी, मैग्नीशियम कह देंगे बेटा, मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में ऑब्जर्व है, ध्यान रखना Mg1 या Mg2, फेरिक या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या बोलेंगे, टू ही होता, ठीक, सल्फेट में एक होता था,
हो सकता है, वन नहीं होता कभी। चलो ठीक, आयरन में हाँ तो फेरिक फॉर्म में ज्यादा अब्जॉर्ब होते हैं, ठीक, माइक्रो में अधिक और फेरिक फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया फेरस या फेरिक। अच्छा दो होते हैं कापर और फेरस, ये आयरन और कापर। तो कापर भी बेटा सी यू डबल प्लस में ज्यादा अब्जॉर्ब होता है क्यूब्रिक में। तो सल्फी देख लो मैग्नीशियम को, रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में भाग दिए यूज होने वाले एंजाइम के एक्टिवेटर। फार्मूला भी जो मैंने बोला था इसका ऑक्सीजन नहीं बोला, 55 है, एच 72 है, ऑक्सीजन 5 है, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम 1, क्लोरोफिल में एमजी है, दो राइबोसोम की यूनिट को बाइंड करता है, ये मैंने बोला था कभी 10^-3 मोल कंसंट्रेशन भी बोला था वहां पर। सल्फेट दो एमिनो एसिड में पाया जाता है, सिस्टीन और मीथियोनिन। विटामिन 3 है, थियामिन, बायोटिन और कोएंजाइम ए में प्रेजेंट। फेरिडॉक्सिन पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के समय फोटोसिंथेसिस है, वहां भी मिलेगा आयरन हमें सल्फेट। ये बेटा फेरिडॉक्सिन में सल्फर भी है आयरन भी है, फेरिडॉक्सिन बेटा ये यहाँ सल्फर भी है आयरन भी है, ये विशेषता है इसकी। फेरिडॉक्सिन रिडक्शन FES बोला जाता है, ठीक है ना। आयरन प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, फेरिडॉक्सिन को लिख दिया मैंने यहाँ, यानी कि सल्फर है तो यहाँ लिखा है आयरन यहाँ इस तरह से लिखा हुआ। साइटोक्रोम में बेटा आयरन है, कैटालेज एंजाइम में आयरन यूज करेगा, क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में आयरन नहीं है, इन क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए आयरन जरूरी है, क्लोरोफिल के कंपोनेंट में नहीं है, लेकिन उसकी सिंथेसिस के लिए एज ए एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम जरूरी है, तो सिंथेसिस भटकता बेटा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तीन पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल होता है इसमें मैग्नीशियम है, हीमोग्लोबिन होता है इसमें आयरन है, हीमोसाइनिन होता है इसमें कॉपर। ये तीन पॉइंट हम लर्न कर सकते हैं। ये चीज बेटा हमें मिलेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में, माइटोकांड्रिया में पढ़ेंगे, इसको ध्यान से सुनना जरा सा। ये क्या है, पेरिक है, इलेक्ट्रॉन ले लिया फिर इसमें बदल गया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया फिर बदल गया, यानी कि आयरन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में भाग लेता है, नाम क्या है साइटोक्रोम। अब मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, एक नहीं मिटाल देंगे, अभी ध्यान से सुनना, मैंने लिखा साइटोक्रोम बी, मैंने लिखा साइटोक्रोम सी, सी वन, मैंने लिखा साइटोक्रोम बेटा सी, लिख दिया। अब इनसे होकर के इलेक्ट्रॉन चल रहा है कैसे, इस साइटोक्रोम के बेटा फेरिक ने एक इलेक्ट्रॉन लिया जो रिलीज हुआ और किसमें बदल गया फेरस में, इसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और फेरिक में बदल गया, इस इलेक्ट्रॉन को किसने लिया साइटोक्रोम सी के फेरिक ने लिया, समझे, और फेरस में बदल गया, यस। अब साइटोक्रोम सी वन के फेरस में इलेक्ट्रॉन को निकाल कर फेरिक में बदल गया, इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया साइटोक्रोम सी ने, साइटोक्रोम सी ने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या था वो फेरिक, इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें बदल गया फेरस में, इलेक्ट्रॉन फिर त्याग दिया तो फिर ये चेन बनाते समय किसे समझ में आया, बस इतना है यार, लाओ जब लिया तो हम क्या थे फेरिक बन गया गए, फेरस दिया तो फिर फेरिक, लाओ देव लाओ। तो ये साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी वन
साइटोक्रोम सी साइटोक्रोम के काइंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, इनका जिक्र हम सब लोग रिस्पिरेशन में करेंगे, इसलिए बनाना जरूरी है। ऐसे कॉपर अगर होगा तो क्यूप्रस एन क्यूप्रिक आगे आएगा, ए और ए थ्री में साइटोक्रोम ए और ए थ्री आगे बनेगा, ये बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा, मैंने रीडिंग नहीं किया है, एनसीईआरटी की थ्योरी रीडिंग बिल्कुल नहीं की, क्योंकि बिल्कुल सारे पॉइंट यहाँ लिख दिए हैं और मैं वही बोल रहा हूँ, इसकी रीडिंग ही बोल रहा हूँ बड़ा। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कौन कौन भाग ले रहा भाई, एमएन और मॉलिब्डेनम लिख दिया सीधे सीधे। सॉल्यूट या आर्सेनिक कंसंट्रेशन कौन बढ़ा रहा है, पोटेशियम सोडियम क्लोराइड, आयन एंड कैटन बैलेंस भी वही कर रहे हैं, एक ही बात हो जाती है। अब किस में आ गया बेटा आप लोग, माइक्रो का दूसरा आ गया, क्या नाम है, मैंगनीज, मैंगनीज आयन के फॉर्म में अब्जॉर्ब हुआ। तीन जगह है ये एंजाइम एक्टिवेटर है, फोटोसिंथेसिस में, रिस्पायरेशन में और नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में एमएन एक एंजाइम एक्टिवेटर लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है, प्लांट की फोटोसिंथेसिस में वाटर की लिसिस होती है, उसे फोटोलिसिस कहते हैं, तो फोटोलिसिस में भी एमएन यूज हो रहा है, सीएलबी यूज होगा, आगे नीचे चलेंगे, सीएलबी फोटोलिसिस में यूज होता है, तो फोटोलिसिस में एमएन सीएल और बाद में कैल्शियम भी आता है, यहाँ दो लिखे दो याद करोगे। आ गए बेटा जिंक, बस इतना ही है, क्या लिखा बोलो, द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो लाइट की प्रेजेंस में वाटर टूटता है, लाइट भी है और एमएन भी है, इसीलिए फोटोलिसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस में टूटता है तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जिंक जेडेन फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ है, डबल एंजाइम कार्बोक्सिलेज का एक्टिवेटर है, ऑक्सीजन की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, कॉपर क्यूप्रिक फॉर्म में ऑब्जर्व हो रहा है, क्यूप्रस नहीं क्यूप्रिक में, मेटाबॉलिज्म ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व हो रहा है प्लांट के, रिडॉक्स रिएक्शन में भी हेल्प कर रहा है, आयरन की तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, क्यों यहाँ बेटा भी हम लिखेंगे साइटोक्रोम ए, जैसे यहां लिखेंगे यहां कॉपर आ जाएगा, ठीक, यहां पर क्या होगा कॉपर प्लस, क्या बन जाएगा कॉपर ए प्लस, ये साइटोक्रोम क्या होगा ए, आगे भी करेगा ये ईटीएस में बताएंगे चल करके। तो ईटीएस में पांच एलिमेंट है बेटा, पांच साइटोक्रोम में, बोलो सीरीज क्या है, साइटोक्रोम बी सी वन सी ए ए थ्री, बोलो साइटोक्रोम बी सी वन सी ए ए थ्री, बोलो बी सी वन सी ए ए थ्री, बी और सी वन एक साथ रहते हैं जिसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सी अकेला रहता है जिसे मोबाइल कहते हैं, ए और ए थ्री साथ रहते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी पांच साइटोक्रोम हैं, तीन जगह बटे हैं, बी सी वन कॉम्प्लेक्स, ए ए थ्री कॉम्प्लेक्स, बी सी वन कॉम्प्लेक्स, ए ए थ्री कॉम्प्लेक्स और यह अकेला यह मोबाइल अकेला, इवन यहाँ बता दिया हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, यही चीज तो थोड़ा आसान हो जाए, आओ यहाँ तक बता दिया बेटा, यही रिडॉक्स रिएक्शन लेना देना वाला, आयरन भी है कॉपर भी फेंक ले रहा है, बचा क्या बेटा बोरान, किस फॉर्म में अब्जॉर्ब हो रहा है, दो फॉर्म दे दिए दोनों में अब्जॉर्ब हो रहा है, बहुत बढ़िया, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन कैप्चर, बहुत बढ़िया सा है, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन मतलब क्या है, हम हैं तो सॉइल में लेकिन तब तक नहीं आएंगे जब तक बुलाओगे, मतलब समझिए कैल्शियम सॉइल में है, जब तक हमें बुलाओगे नहीं तब तक हम आएंगे नहीं, ये फूफा जी है नाराज हो गए, तो बोरान की जिम्मेदारी है कि तुम कैल्शियम आयन को भैया लेकर के आओ
उनको खाना में खिलाओ, यूटिलाइजर में भाग दिलाओ। किसको जिम्मेदारी दी गई है? किसकी? तो बुआ जी तो अपने घर ही हैं, बुरान बुआ जी हो गई, फूफा जी नाराज हैं उन्हीं को, भाई बुआ तुम्हें संभालो, हमसे फूफा संभलते रहे, मुंह फुराए रहते हैं जब देखो। तो फूफा जी ने मुंह फुलाना कब शुरू किया ये तो बताओ, जब तक जीजा थे तब तक मुंह नहीं फुलाया, मतलब समझे। जब फूफा जी इस परिवार में आए थे तो दूल्हा बनकर आए थे, तो जीजा थे, जीवन बीतता रहा 10 साल 12 साल 15 साल। जब हमारे यहाँ नई पीढ़ी आई, नया दामाद हमारे यहाँ आ गया, अब फूफा हमारी इज्जत कम हुई, अब तो हम गया बोले उनको पूछता ही नहीं, नए दामाद आए रमेश उनका बस पूछा जाता है, ये नहीं देख रहे हैं कि हमने भी बड़ी मिठाई खाई है, बड़ा स्वागत सत्कार मेरा भी अपनी जवानी में हुआ है। लेकिन आज जो है फूफा जी क्या है, नाराज हैं, क्योंकि नए दामाद नई पीढ़ी के रमेश बाबू आ गए हैं, तो सच्चिदानंद जी की इज्जत तो भैया कौन किसको जिम्मेदारी दी है? बुआ जी को, भाई यही घर की है, बुआ तुम्हें मनाओ भाई, हमसे तो फूफा जी मनते नहीं है, ऐसा होता है क्या? अब तो रिश्ते की संख्या ही कम हो गई बेटा, तो लोग इसे बुआ ही नहीं है हमारी, तो कोई लो कोई कहे वहां फूफा ही नहीं है, होता नहीं होता है। तो इसीलिए बेटा कम से कम रिश्ते बनाए रखने के लिए, ठीक क्लियर हो गई बात? तो बुआ कौन है यहाँ पर? बोरान। किसका पिक करेंगे? कैल्शियम का और यूटिलाइजेशन, ध्यान रखिएगा बढ़िया से, इसकी जरूरत आगे जगह और बड़ी टॉक्सिसिटी वाले में। मतलब ये हुआ अगर बोरान की कमी हो गई तो कैल्शियम की भी कमी नजर आने लगती है। बुआ नहीं आई तो फूफा जी भी कैसे व्यवस्था बदलेंगे? अब बिठा गया मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेट आयन के फॉर्म में अब्जॉर्ब हो गया, एंजाइम के कंपोनेंट है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेगा उसका कंपोनेंट है, और नाइट्रोजन नाइट्रेट रिडक्टेज दो एंजाइम का कंपोनेंट है, वो रख डालो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन साइकिल में अभी दो एंजाइम आने वाले हैं, सीएल हो गया, क्लोराइड आयन के फॉर्म में अब्जॉर्ब हो रहा है, इनके साथ मिलकर सॉल्यूट कंसंट्रेशन में हेल्प करेगा, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन में तीनों मिलकर काम करने वाले हैं, एनायन कैटायन बैलेंस तो करेंगे करेंगे, और साथ में वाटर की फोटोलिसिस में भी सीएल भी इन्वॉल्व होता है ऑक्सीजन की डिफ्यूजन में, तो सीएल और पीछे एमएन दोनों फोटोलिसिस वाटर में इन्वॉल्व होते हैं, तो एलिमेंट को दो दो मिला करके काम करेंगे, तो यहाँ पर काम बनेगा भी और काम चलेगा। तो कैसा पार्ट है? कठिन पार्ट है, इसको बिल्कुल ये समझ लो कि कहाँ करना है, इन दोनों पन्नों की फोटो कॉपी को चिपका दे वैसे, इतना खतरनाक पेज है, आना तय है, डेली देखने वाला डेली निहारने वाला है कि किस लाइन में क्या लिखा है, ये देखते हो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, थोड़ा सा पॉइंट हो जाता है। अरे वहां पे गए नहीं है, खिलाओ काफी देर बाद बुराई हो गई। भाई हम भी कहेंगे फूफा हैं, है कि नहीं, तो नाराज हो जाए।
डिफिशेंसी सिम्टम्स आप बोलो, एसेंशियल एलिमेंट कैसे पता चलेगी और करेक्टर कैसे और कहां पर दिए गए, कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, ये तो याद ही करना पड़ेगा किसके लिए क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, वेन एवर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिकम बोलो लिमिटेड, यानी कोई कम हो जाए, जैसे कम हो जाएगा प्लांट ग्रोथ रुक जाएगी या कम हो जाएगी, यस या नो। द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज डॉट इज कॉल्ड क्रिटिकल कंसंट्रेशन। कुछ समझ में आया, सॉइल में किसी एलिमेंट की जो मात्रा जरूरी थी जिस कारण से उसमें कोई दिक्कत नहीं थी उसे कम होने पर सिम्टम्स आने लगते हैं, तो समझ लो वो कंसंट्रेशन जिससे कम होने पर कोई सिम्टम्स आने लगे दैट कंसंट्रेशन नोन एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। कहते ना पेशेंट किस कंडीशन क्रिटिकल है, मतलब अब इस स्तर से नीचे गया तो नुकसान हो जाएगा, क्रिटिकल कंडीशन ये बोला जाता है, उससे मिनरल कम हुआ तो ये क्रिटिकल हो जाएगा। द एलिमेंट इज सेड टू बी डिफिशियंट हो जाएगा व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन, कमी मान दिया जाएगा। तो छोटा सा पॉइंट, क्रिटिकल कंसंट्रेशन मिनरल की वो कंसंट्रेशन जिसके नीचे अगर मिनरल गया तो प्लांट में डिफिशियंसी आ जाएगी, अभी तो ठीक। ईच एलिमेंट हैज, हाँ ये बहुत अच्छा है, बड़ा मुश्किल काम, एक एलिमेंट के एक से ज्यादा काम है, आयरन के एक से ज्यादा काम है। अब सुनना, आयरन कमी हो गया तो कई सिम्टम उसमें नजर आ जाएंगे, मान लिया आयरन की कमी हुई और चार सिम्टम नजर आए, कितने हैं चार, इस आयरन के चार फंक्शन इन्वॉल्वमेंट है, इस फंक्शन में ये एलिमेंट भी इन्वॉल्वमेंट है। तो जिस तरह से एक एलिमेंट के ये चार फंक्शन हैं, वैसे इसके भी ये चार हैं, उनमें से तीन इसके अलग, दोनों का एक कॉमन है, आप कैसे पता करोगे। इसके कितने फंक्शन हैं, चार, लेकिन इसके एक फंक्शन को ये पूरा करता है, मतलब उसका भी कोई फंक्शन है, तो कितने नजर आए, तीन नजर आए, एक नजर ही नहीं आ रहा। अब ये जब कम हुआ तब इससे भी चार थे, तीन नजर एक नजर ही नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, कोई एक फंक्शन एक से ज्यादा एलिमेंट से भी हो रहा है, यस या नो। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, एमएन है तो सीएल से काम चल गया, तो किसकी कमी पता हो गया, एमएन की या सीएल की। अगर फोटोलिसिस वाटर नहीं हो रहा है तो किसकी कमी बताओगे, एमएन की या सीएल की। तब दोनों कम होंगे तो नजर आ जाएगा, क्यों दोनों में इसको एक होता तो काम चल ही जाता। तो यहां पर ये पता कर पाना कि एमएन कम है या सीएल कम है मुश्किल हो जाएगा, यानी मतलब डिफिशिएंसी सिम्टम का निकाल पाना इतना आसान नहीं, नंबर आप इटन करने पड़ेगा, समझ गए। इसके भी चार फंक्शन, इसके भी चार फंक्शन, तीन तीन दोनों के बिल्कुल अलग है, एक कॉमन है, तो मुश्किल होता है, वही यहां लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। ईच एलिमेंट हैज वन या मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या फंक्शन, ठीक। इन एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट प्लांट सो बोलो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंज, एलिमेंट वन लिखा है तीन चेंज बता रहा है वो, एलिमेंट टू लिखा है वो भी तीन बता रहा है, और दोनों में एक कॉमन दिया गया है, मुश्किल हो गया ना। तो क्या लिखा है, दीज मार्फल चेंज आर इंडिकेटिव ऑफ द सर्टेन एलिमेंट डिफिशियंसी एंड आर कॉल्ड डिफिशियंसी सिम्टम। तो ये जो मार्फल चेंज है ये किसकी कमी के कारण है, नाइट्रोजन या मैग्नीशियम, अगर सिम्टम दिख रहा है इसका मतलब वहां पर दोनों ही नहीं है, अगर दोनों कोई एक होता
तब हम इसकी कमी को बता ही नहीं पाते, मुश्किल हो जाता। तो आगे वही लिखा है, द डिफिशियंसी सिम्टम वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट एंड दे डिसअपीयर व्हेन द डिफिशियंट मिनरल न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडेड टू द प्लांट। हाउएवर इफ डिप्रिविएशन कंटिन्यू, मिनरल की कमी बोलो लगातार जारी रहेगी तो क्या होगा, इट मे इवेंचुअली लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की डेथ भी हो जाए। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट शो द सिम्टम्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द मोबिलिटी ऑफ द, हाँ ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉइल में मिनरल की कमी लगातार कमी, प्लांट सूख जाएगा। फिर बोलो, सॉइल में मिनरल की कमी, पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजिकल या फंक्शनल एस्पेक्ट पूरा नहीं हुआ, लगातार कमी होने से प्लांट सूख जाएगा। मिनरल को प्रोवाइड कर देने पर प्लांट सूखेगा नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमने मिनरल दिया तो लेकिन वो वहां तक पहुंचा ही नहीं। तो मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट पर डिफिशियंसी सिम्टम कहां कैसे दिखाई दे रहा है ये दिखाना। अब कोई एलिमेंट सॉइल में है, एब्जॉर्ब हुआ, वो धीरे धीरे जा रहा है, बहुत धीरे जा रहा है, सॉइल में है, लेकिन उसका सिम्टम सबसे पहले कहां अपीयर होगा, ऊपर, मोबिलिटी कम है। अब कुछ एलिमेंट तेजी से भागते हैं, एब्जॉर्ब हुए भाग गए ऊपर, मतलब जो एब्जॉर्ब सब ऊपर ही हैं, कहां हो ऊपर है, अरे नीचे हो तुम्हारा काम नीचे है, हमेशा ऊपर टंगे रहते हो, होता है तुम्हारे घर में कभी कभी, नीचे फ्लोर पे मम्मी रहती है ऊपर टंगे रहते हैं, कहाँ हो मम्मी ऊपर है, अरे यार तुम हमेशा ऊपर है तो नीचे आओ, कब से ऊपर, अभी बहुत देर से ऊपर है, अच्छा अभी भी गेट खोल कर गए हो, फिर बहुत देर से ऊपर। तो ऐसा बच्चा जो घर में घुसते ही सबसे ऊपर पहुंच जाए तो उसकी कमी हमेशा कहाँ रहेगी, तो हाईली जो मोबाइल होंगे उनकी कमी हमेशा लोअर पार्ट में, और जो स्लो मोबाइल उनकी कमी जल्दी ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, तरंग कहाँ टंगे रहते हो है ऐसा क्लियर। तो क्वेश्चन ये द्वारा ध्यान देना बेटा, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट शो द डिफरेंट सिम्टम आल्सो डिपेंड्स ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट इन द प्लांट, फॉर एलिमेंट दैट आर बोलो एक्टिवली मोबिलाइज्ड विद इन द प्लांट एंड एक्सपोर्टेड टू यंग टिश्यू डिफिशियंट सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द ओल्डर। फॉर एग्जाम्पल डिफिशियंट सिम्टम ऑफ एनपीके नहीं लिखा है, नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम तीन है, कौन कौन से है, क्या कह दिया है, नाइट्रोजन एनके एमजी, हाँ एनके एमजी, ये एनके एमजी, आर विजिबल फर्स्ट इन द ओल्डर लीफ, सेंसेशन लीफ में जल्दी एक्टिवली मोबिलाइज है, तेजी से ऊपर जाएंगे, इनकी कमी सबसे नीचे नजर आएगी। ठीक, इन द ओल्डर लीफ बायोमोलिक्यूल कंटेनिंग दीज एलिमेंट आर ब्रोकन डाउन मेकिंग दीज एलिमेंट अवेलेबल फॉर मोबिलाइजिंग द टू द यंग लीव्स। तो जल्दी बोलो बेटा, किन की कमी सबसे पहले नीचे नजर आएगी, कौन कौन से हैं, ठीक, और स्लो रिलेटिवली मोबिलाइज कौन से हैं, ये धीरे से ही रह गए ऊपर, इनकी कमी नजर आएगी। तो तीन की जल्दी कमी नीचे, दो की जल्दी कमी तो एक मोबिलाइज हुए एक इमोबिलाइज हुए, दोनों अंतर है, एक कहा जा रहा सामान्य स्थिति है, आओ और नीचे रुको जाएंगे थोड़ी देर में, एक दूसरे हैं आओ और पहले ऊपर जाओ, दोनों क्लियर हो गई बात, घर में है देखो अनुष्का बिल्कुल देख रही कि हमारे घर में वैसे ही है, तो ऐसा है सबके घर में जिसका दो पोर्शन ऐसे ही होने वाला है, क्लियर, और जिसका एक फ्लोर है वो क्या करे, मम्मी पापा से दूर जा ही नहीं पाता, सामने बना रहता है,
अब ये समस्या। कितना अच्छा लगता है मम्मी पापा से दूर रहना, नहीं देखो शर्म को अच्छा लगता है, तब ठीक है। तो फिर काटेंगे रहते ऊपर जीने भाई, देखो मतलब बीच में ट्रांजिएंट फेज में रहते हैं, जाइलम में बने रहते हैं। अब क्वेश्चन ये आया, मोबिलाइज देगा, एक रिमोबिलाइज और एक इमोबिलाइज, सब दो शब्द। रिमोबिलाइज का मतलब मैंने बताया था ना, पुरानी पत्तियां हो जाती हैं तो एलिमेंट वहां से वापस बर्ड कंडीशन में चली जाती है, रिमोबिलाइज हो गए। इमोबिलाइज जो जा ही नहीं पाते, जो बाइंड होते हैं, ओल्डर पत्ती से यंग लीफ को जाने वाले क्या कहलाएंगे, रिमोबिलाइज, और ना जा पाने वाले इमोबिलाइज, करेक्ट। तो वो दो शब्द भी बनते हैं। एनपीकेएस इनकी कमी से सिम्टम सबसे पहले नीचे नजर आएगा, एनपीकेएस भी तेजी से ऊपर जाते हैं। इनकी कमी से सिम्टम, चलो पहले ऊपर, इनकी कमी से सबसे पहले सिम्टम नीचे, इनकी कमी से सबसे सिम्टम पहले ऊपर, और एनपीकेएस कौन से थे, रिमोबिलाइज बेटा, ये री वाले नोट कर लेना, री रिमोबिलाइज। इनको हटा देते यहां से, अभी रुक जाओ, सल्फर, हाँ सल्फर पता तो है, इनको हटा दो यहां से, ठीक इनको हटा दो, ये ठीक है, इसके लिए ये ठीक है। अब आपने क्या लिखा, अबाउट बोलो, नहीं हाँ रिमोबिलाइज्ड, इमोबिलाइज रहते हैं। रिमोबिलाइज हो गया। दूसरा, डिफेंसिव सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द यंग टिश्यू वेदर द एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इमोबिलाइज, ये रिमोबिलाइज है ना। इसमें बेटा मेनली कैल्शियम है, लेकिन सल्फर लिखा ना, सल्फर क्योंकि अमीनो एसिड सिस्टीन और मिथियोनिन में है, दो ही जगह कहीं है ही नहीं, और प्रोटीन और अमीनो एसिड जल्दी भागती, इसे सल्फर को लगाते हैं, ठीक है। तो कैसे बोलो, एक क्या था मोबिलाइज्ड, तीन कहानी होगा बेटा, पहली बोलो, मोबिलाइज कितने बोलो, फास्ट, दूसरा बोलो स्लो। अब तीन कैटेगरी बन गए ना क्वेश्चन की आपकी, कौन कौन से, मोबिलाइज्ड, रिमोबिलाइज्ड, रिलेटिवली इमोबिलाइज्ड। तो मोबिलाइज्ड में भी दो, फास्ट स्लो, फास्ट चले गए एनपीएमजी, स्लो जा रहे हैं एनकेएमजी, मुझसे ना कहो, मुझसे ना कहो, रुकने को यार, जाने दो ऊपर, तो तरंग हमेशा ही कहते मम्मी मुझसे ना कहो, हम ऊपर जा रहे हैं, तुम का मत करो मम्मी, मुझसे ना कहो, एम जी एन के, ये सही है ना। तीन कैटेगरी में ध्यान रखना, फास्ट मोबिलाइज्ड और स्लो, उस पर क्वेश्चन बना लेना, और क्या है, रिमोबिलाइज्ड, एनपी के नापाक साजिश वाला,
और रिलेटिवली इमोबिलाइज कैल्शियम और सल्फर, तीन कैटेगरी आपकी बन गई है। मुझे लगता है कि सिपो थोड़ा सा और अच्छे से लिखना पड़ेगा। पहला बोलो मोबिलाइज्ड, बोलो बेटा फास्ट, दूसरा बोलो स्लो, दूसरा बोलो रीमोबिलाइज, तीसरा बोलो रिलेटिवली इमोबिलाइज्ड, अब एलिमेंट बताओ बेटा। फास्ट मुझसे ना कहो, हम जाएंगे बस, है ना। और स्लो वाले कैल्शियम और सल्फर, ये तो है ठीक। और जो रिमोबिलाइज्ड है नापाक साजिश, नापाक से किसकी है, हाँ रिमोबिलाइज्ड, आतंकवादी जल्दी जल्दी आते रहते हैं, एक मारा दूसरा आ गया, रिमोबिलाइज। और क्या भाई, नापाक साजिश तभी तो दिखा गया। और रिलेटिवली इमोबिलाइज जो स्लो है वो रिलेटिवली इमोबिलाइज, तो उसमें भी क्या है कैल्शियम और सल्फर, तो क्या लगा रिमोबिलाइज ही रिलेटिवली इमोबिलाइज में भी आ जाएंगे, स्लो है वो बाइंड, ये किस कारण से है ये बेटा, बाइंडिंग के कारण कहा जा रहा है, परमानेंट टिश्यू में है वो जल्दी ब्रेक नहीं हो रहा है, ये रीजन बताइए। तो चार पॉइंट आपके ये बन जाते हैं, मुझे लगता है ठीक लिख दिया गया है। चलें आगे बढ़े, बहुत तेजी से पढ़ रहे हो आप लोग ऐसे, ठीक पढ़ना भी चाहिए, दो दिन में चैप्टर खत्म, क्योंकि अब चीजें समझ में आने लगी, अब केवल याद करने का मतलब ज्यादा। तो कल हम पूछेंगे पूरी बातें जी, जितने चैप्टर कुछ भी छोड़ेंगे उसमें कोई फिक्स नहीं, शुरुआत से ही पूछेंगे पहले से, और फिर एक दिन पीछे से आगे करेंगे, क्योंकि एक दिन में पूरे चैप्टर कितने हो पाते हैं भगवान जाने। आओ कैसे ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट थे इस लेवल तक, दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट इज द ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंट टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, यहां से यहां चार बातें लिखी हैं, कितनी बातें, चार पॉइंट्स हैं। पहला ये क्या है, क्लोरोफिल का फार्मूला है, और ये चार पॉइंट बेटा ये लिखे गए, तो ये क्या मतलब हुआ, एक क्लोरोसिस है बेटा, एक नेक्रोसिस है, एक सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होने वाले, और एक बेटा फ्लावरिंग में डिले। कौन से एलिमेंट है जिसके फ्लावरिंग में डिले, फूल देर से दिया जाए किसी को अपने चाहने वाले को सनम है। अरे हम क्या करें, बल्कि बन गया तो क्या करें, सनम मतलब क्या, इस बार सल्फर नाइट्रोजन मॉलिब्डेनम की कमी से फ्लावरिंग डिले हो, तो सनम नाराज हो गए, फ्लावरिंग डिले याद रखना इसे ही। फिर दुखाया मुस्कान, मुस्कान मतलब चेहरा खिल गया, फ्लावर खिल गया, ठीक। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन ग्रोथ बढ़िया हो रही है, उसको मुस्कान बोला जाए। तो इन एलिमेंट की कमी से सेल डिवीजन प्रभावित हो जाता है, इनकी कमी से फ्लावर में
बोलो, डिले उनकी कमी से सेल डिवीजन में कमी। काकू के मजे, काकू मजे, नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू मर जाए, डेथ हो जाए, किसके कारण? काकू के मचे। तुम तो मजे ले रहे हो, वहां टिश्यू मरा जा रहा है। तो कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम और मैग्नीशियम, तो सनम, मुस्कान, काकू के मजे, बाकी जो है ये MGFEN, जेजन, ये सारी चीजें क्लोरोसिस के लिए। क्लोरोसिस का मतलब अभी आगे थोड़ा सा बताएं। क्लोरोसिस होती है, एक इट्यूलेशन होता है, वेरिगेटेड लीफ होती है, फोटोसिस, तीन चीज बताएंगे। तो जब मिनरल की कमी के कारण पत्ती पीली पड़ जाए तो क्लोरोसिस कहते हैं। बोलो, मिनरल की पत्ती पीली पड़ जाए तो उसे क्लोरोसिस कहते हैं। और अगर किसी घास पर ईंट रख दो, 10 दिन रखो तो नीचे पत्ती पीली हो जाती है, उसे इटियोलेटेड पत्ती कहते हैं। वहां मिनरल था, लाइट ना मिलने से तो इटियोलेटेड। एक ऐसी पत्ती जो पीली ही है, लाइट भी है, मिनरल भी है, वेरिगेटेड लीफ कहलाती है। तो तीनों का जिक्र बेटा फोटोसिंथेसिस के पहले पेज पर हमने किया है, इसलिए इसे बता दिया यहां पर, वहां डिटेल करेंगे उसको। यहां से यहां तक की चार चीजें हैं, नीचे पढ़ना शुरू करेंगे। बोलो, सनम, डिले इन द फ्लॉरिंग, मुस्कान, सेल डिवीजन का इनहिबिशन हो जाएगा, काकू के मजे, नेक्रोसिस, और वो तमाम सेलिमेंट है क्लोरोसिस में भाग लेते हैं। और यहां क्यों लिखा, एमजी इज द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, नहीं मिलेगा तो बनेगा ही नहीं भैया। नाइट्रो इन द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, नहीं मिलेगा तो बनेगा नहीं। एंड मॉलिब्डेनम एक्टिवेटर होता है, तो बात आ जाती है, बाकी सब इंडिया में एक्टिवेटर्स वाले, ठीक है। उतने एलिमेंट किसमें हैं बेटा, क्लोरोफिल के। तो आइए, काइंड्स ऑफ डिफिशियंसी ऑफ सिम्टम्स ऑन द प्लांट इंक्लूड क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ एंड प्रीमैच्योर लीफ फॉल। बट ये सब चीजें, पहला क्लोरोसिस, द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू द एलोइंग ऑफ द लीफ। क्लोरोसिस माने पीली पत्ती का पड़ना मिनरल की कमी के कारण। तो सिम्टम कॉज बाय क्लोरोसिस कौन से होंगे, NKMG, SFEMN, ZN और MO, सब लिखा है। N K नहीं लिखा बेटा, ना K भी है ना, NKMG, चलो NKMG, आयरन लिखा है, सल्फर MN, बहुत है भाई, याद कर लो जितने याद कर पाओ। नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यू हो जाए पर्टिकुलर इनके काकू के मजे के कारण, और क्या, सेल डिवीजन का इनहिबिशन हो जाए मुस्कान के कारण, और डिले फ्लॉरिंग हो जाए सनम के कारण। तो ये याद करने का एक छोटा सा तरीका है जो आप नोट कर लोगे। और ये जो पॉइंट है जिसको मैंने पहले बोला था, फिर दोबारा वो आ रहा है, जो वहां लिखा था, तीन कमी हो जाए दो तो कैसे पता चले, टफ वर्क है। एलिमेंट वन से कितने सिम्टम, तीन, एलिमेंट टू की कमी, एलिमेंट टू के है तीन फंक्शन, येलो फंक्शन दोनों के लिए कॉमन है, तो पता करना कैसा है मुश्किल हो जाता, उसको यहाँ पर जिक्र किया गया। You can see from the above that the deficiency of any element can cause multiple symptoms. तीन सिम्टम E1 के, तीन सिम्टम E2 के, and the same symptom may be caused by deficiency of one of several different elements. एक ही सिम्टम, बोलो, एक से ज्यादा एलिमेंट के भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट की कमी से एक से ज्यादा सिम्टम हो सकते हैं, और एक ही सिम्टम एक से ज्यादा एलिमेंट के हो सकते हैं, टफ वर्क हो जाता है। हेंस टू आइडेंटिफाई द डिफिशिएंट सिम्टम एलिमेंट, वन हैज टू स्टडी ऑल द सिम्टम्स डेवलप इन ऑल द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट एंड कंपेयर देम विद द अवेलेबल स्टैंडर्ड टेबल। वी मस्ट आल्सो बी अवेयर दैट डिफरेंट प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द डिफरेंसेस ऑफ द सेम एलिमेंट।
एक ही एलिमेंट की कमी से अलग अलग प्लांट अलग अलग सिम्टम्स भी देते हैं, ये भी लिखा है। सबका जेनेटिक मेकअप अलग होता है, किसी को कुछ ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को कुछ ज्यादा अच्छा लगता है, ये जरूर होती है उनके साथ। तो मुझे लगता है ये पार्ट हमारा पूरा हुआ है ना, काफी तेजी से जा रहे हैं। और टॉक्सिसिटी बेटा, एलिमेंट दो प्रकार के, माइक्रो एंड माइक्रो, दो थे ना। माइक्रो एलिमेंट वो जो 1 किलोग्राम लकड़ी के ड्राई वेट में 10 मिलीमोल से ज्यादा हो, माइक्रो। और माइक्रो वो जो 10 मिलीमोल से पर केजी ड्राई वेट से कम हो। अब ध्यान से सुनना, टॉक्सिसिटी क्या है। देखिए, अगर सॉइल में माइक्रो एलिमेंट की कमी हो जाए तो डिफिशियंसी, और माइक्रो की कमी हो जाए तो भी डिफिशियंसी, ठीक। इन दोनों की कमी से डिफिशियंसी सिम्टम ही आएंगे। लेकिन अगर माइक्रो ज्यादा हो जाए तो कोई नुकसान नहीं होता है। माइक्रो वाले एलिमेंट ज्यादा हैं सॉइल में, ज्यादा हो जाए तो कोई नुकसान करते ही नहीं है। इन माइक्रो वाले अगर थोड़े भी ज्यादा हो गए तो प्लांट को नुकसान पहुंचा, उसे टॉक्सिसिटी कहते हैं। पता बेटा, माइक्रो की कमी से डिफिशियंसी, माइक्रो की कमी से डिफिशियंसी, माइक्रो की अधिकता से कुछ नहीं, और माइक्रो की अधिकता से तो टॉक्सिसिटी इज ड्यू टू माइक्रो का क्रिटिकल से ज्यादा हो जाना। यानी हम अगर खेत में माइक्रो मिनरल छिड़कने जा रहे हैं तो हमें सॉइल टेस्ट करें या ना करें, माइक्रो अगर जा रहा है थोड़ा ज्यादा रिजेक्ट चल जाएगा। अगर माइक्रो देने जा रहे हैं तो हमें सॉइल टेस्ट करना जरूरी, कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में गड़बड़ हो जाएगा, ओके। तो टॉक्सिसिटी मतलब समझे, शायद यहां हमने लिखा हुआ है, देखो टेबल बनाई है, कैसे लिखा है, माइक्रो की कमी से डिफिशियंसी, ठीक, माइक्रो की कमी से डिफिशियंसी, बोलो, माइक्रो की अधिकता से टॉक्सिसिटी, माइक्रो की अधिकता से कुछ नहीं। मैंने रोटी और नमक का एग्जांपल दिया, सब्जी में नमक थोड़ा भी ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिसिटी हो गया, बहुत हो गया भाई, थोड़ा ही ज्यादा है। लेकिन और रोटी ठीक है, एक ज्यादा खा लेंगे आज तो सब्जी अच्छी बनी। तो ये ऐसे एग्जांपल थे, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल आराम से देख लोगे आप, ठीक। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ये कैसे दे दिया मैंने, एंजाइम वाला तो याद ही है आपको शायद, कहाँ से ले सकते हैं, रिलेट किया गया है आपकी मम वाला कुछ पॉइंट याद है, एंजाइम वाले याद है, एंजाइम और पीएच ऑफ कंसंट्रेशन वाला, उसी से रिलेट है, अभी पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये पॉइंट पर पढ़ो आप, द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट इज ऑलवेज इन बोलो लो अमाउंट, माइक्रो की बेटा हमेशा कम में जरूरत है, नमक ज्यादा नहीं चाहिए, कम से कम चला लो, ज्यादा के चक्कर कम है तो खा लो, और कहीं चम्मच लगाकर छोटी वाली बहन ने बदमाशी कर दिया तो बेटा खा नहीं पाओगे, नहीं बदला लेगी वो, बार बार बुलाओगे बेटा जरा आओ नमक दे दो थोड़ा सा, तो नमक की कमी पड़ी रहती, ले हो गया काम बेटा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। वेल देयर मॉडरेट इंक्रीज, थोड़ा भी इंक्रीज बेटा नहीं, रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो इज ऑलवेज इन लो वेल देयर मॉडरेट डिक्रीज, हाँ इंक्रीज बोल दिया मैंने तभी तो गलत बोल दिया, डिक्रीज डिफिशियंसी एंड मॉडरेट इंक्रीज टॉक्सिसिटी, थोड़ा भी ज्यादा होता टॉक्सिसिटी माइक्रो के लिए। अदर वर्ड देर इज नैरो रेंज ऑफ कंसर्न एट विच एलिमेंट्स आर ऑप्टिमम, इसलिए बोला इसे नैरो रेंज पर कौन काम करता था, याद करो
एंजाइम्स, नैरो ऑप्टिमम फॉर टेम्परेचर, ऑप्टिमम फॉर पीएच नैरो, और ऑप्टिमम फॉर एलिमेंट माइक्रो, तो उसका रिलेशन मैंने क्वेश्चन कहा ऐसा हो सकता है। माइक्रो की भी बेटा थोड़ी सी कमी हो जाए, थोड़ी सी अधिकता हो जाए तो काम कर वही गड़बड़ हो जाएगा। तो एंजाइम्स भी और माइक्रो भी बेटा 10% ड्राई वेट अगर कम हो गया, मतलब माइक्रो के देखो ध्यान से सुनिए, हमें प्लांट का जितना ड्राई वेट चाहिए था, माइक्रो के ज्यादा होने पर अगर वेट 10% से भी कम हो गया, 1 किलो चाहिए था 900 ग्राम हो गया, मतलब टॉक्सिसिटी आ गई, कम हो गया मतलब, सॉरी हमें वेट कितना चाहिए था बोलो प्लांट का, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, और वेट कितना रह गया 900 ग्राम। अरे सुनो तो, प्लांट का वेट कितना रह गया 900 ग्राम, प्लांट का वेट मुझे कितना चाहिए था 1 kg, हाँ जी, हाँ जी बताएं, हाँ ठीक बेटा, ओके, नहीं समझे, हमें कुछ हमें प्लांट का वेट कितना चाहिए था इस सवाल से, 1 किलोग्राम, रहे कितना गया 900 ग्राम, कितने परसेंट कम हुआ 10 ग्राम, सॉइल का टेस्ट किया, माइक्रो पर्याप्त, माइक्रो पर्याप्त, माइक्रो ज्यादा, 10% भी वेट कम हुआ तो माइक्रो को टॉक्सिक मान लिया जाएगा, ये कह रहे हैं माइक्रो पर्याप्त, माइक्रो इतने जब बढ़ जाएं कि 10% वेट घट गया तो हम उसे टॉक्सिक मान लेंगे। तो टॉक्सिक कब मानोगे माइक्रो को, जब प्लांट का वेट 10% कम हो, ये एलिमेंट तो बढ़ेगा ही बेटा, वेट ऑफ द प्लांट की ग्रोथ आपको वो 10% कम हो जाए, वो पॉइंट यहां लिखा जाएगा, एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन द टिश्यू दैट रिड्यूस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय द 10% अबाउट द 10% इज कंसीडर द टॉक्सिक। प्लांट का वेट अगर टिश्यू का 10% घटा दिया तो दैट माइक्रो की इंक्रीज जो भी हुआ था क्या मानेंगे, टॉक्सिक मानेंगे। कितना वेट घट जाए प्लांट का, 10% भी घट जाए तो क्या मानोगे कि एलिमेंट टॉक्सिक, माइक्रो टॉक्सिक, माइक्रो नहीं माइक्रो टॉक्सिक हो गया। तो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई, बड़ा मुश्किल है, कहो क्यों भैया, ये कैसे आइडेंटिफाई, क्योंकि ये उल्टा काम करता है। यहां एमएन की टॉक्सिसिटी बोली गई, एमएन ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, एमएन ज्यादा होगा तो क्या भाई, जो कैल्शियम लेना था लेना बंद कर दिया उसने, समझिएगा, माइक्रो की टॉक्सिसिटी जब निकालना ज्यादा कठिन है, जैसे सॉइल में एमएन कम था तो डिफिशियंसी सिम्टम, एमएन क्रिटिकल से ज्यादा हो गया, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट क्रिटिकल से थोड़ा ज्यादा हो गया तो एमएन कुछ नहीं कर रहा, ज्यादा होने की वजह से तो क्या कर रहा है, कैल्शियम ले ही नहीं रहा, एमएन को क्या खींचना था, कॉपर, क्या लेना था, कैल्शियम, हम लेंगे ही नहीं। तो अब प्लांट में सॉइल में एमएन ज्यादा और प्लांट में कैल्शियम और कॉपर की कमी, जबकि सॉइल में कॉपर कैल्शियम है, सॉइल में माइक्रो की कहीं कोई कमी नहीं है, इन एक माइक्रो के कारण हम ले नहीं पा रहे हैं, उसका यूज नहीं कर रहे, उसके सिम्टम आ जाते हैं। तो यहां माइक्रो की डिफिशियंसी हुई या माइक्रो की टॉक्सिसिटी, मतलब माइक्रो सॉइल में है फिर भी माइक्रो के लक्षण, मतलब माइक्रो की कमी के लक्षण दिखने लगे, इसे सुनना, सॉइल में माइक्रो की कंसंट्रेशन क्रिटिकल है, क्रिटिकल से भी ज्यादा है माइक्रो, खूब पर्याप्त है, फिर भी उस माइक्रो के सिम्टम दिखने लगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं माइक्रो की टॉक्सिसिटी। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं,
सॉइल में माइक्रो एलिमेंट अपने क्रिटिकल कंसंट्रेशन से भी ज्यादा मात्रा में है, फिर भी अगर उस माइक्रो के सिम्टम प्लांट में दिख रहे हैं तो इसका मतलब माइक्रो की टॉक्सिसिटी हो गई। उसका एक एग्जाम्पल यहां दिया गया है, एमएन टॉक्सिसिटी। ये देखो बेटा, तीन चीजें हैं, एमएन टॉक्सिसिटी, एमएन ज्यादा हो गया लिखा है, एमएन बेटा अगर ज्यादा हो गया तो आयरन और मैग्नीशियम का अपटेक प्रभावित करेगा, ना आयरन आ रहा ना एमजी आ रहा, अपटेक माने एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा। दूसरा, मैग्नीशियम एंजाइम बाइंडिंग अफेक्ट करेगा। और तीसरा, कैल्शियम के ट्रांसक्रिप्शन रोकेगा। एमएन का अधिक होने पर ये तीन सिम्टम बेटा नुकसान करें, मतलब धोखा कहीं और लक्षण कहीं दिख रहे हैं। इसको एक बार रीड करो, देखो क्या लिखा है, टॉक्सिसिटी सिम्टम डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, टॉक्सिसिटी लेवल फॉर एनी एलिमेंट आल्सो वेरी करेगा डिफरेंट प्लांट में, मेनी टाइम एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट में इनहिबिट द अपटेक ऑफ अंदर एलिमेंट। ऐसा मुझे फॉर एग्जाम्पल एमएन टॉक्सिसिटी दी, मैंगनीज टॉक्सिसिटी क्या कहती है, पहला ये बेटा यहाँ पर ये फर्स्ट है, सिम्टम है अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाई क्लोरोटिक वेन। क्लोरोटिक माने पत्ती है बेटा, उसके केवल सिराएं पीली पड़ गई हैं, पूरी पत्ती हरी है, सिराएं में क्लोरोसिन क्लोरोफिल नहीं है, और उसके बगल में ब्राउन स्पॉट। तो जो वेन्स हैं ये वेन्स क्लोरोटिक हैं, बगल में कैसे हैं ब्राउन स्पॉट है, ये सिम्टम आ जाए तो एमएन टॉक्सिसिटी। पहली चीज, क्लोरोटिक वेन्स विद ब्राउन स्पॉट एमएन टॉक्सिसिटी, क्लोरोटिक वेन विद ब्राउन स्पॉट, क्लोरोटिक वेन विद ब्राउन स्पॉट एमएन टॉक्सिसिटी, क्लोरोटिक वेन विद एमएन टॉक्सिसिटी। क्वेश्चन रख डालो। दूसरा बेटा ये यही ना, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट मैंगनीज कंपीट विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक, आयरन मैग्नीशियम के अपटेक से कंपटीशन, नहीं आओगे तुम लड़ाई कर रहे हैं। एंड तीसरा, एंड विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम, अगर एमिन टॉक्सिसिटी तो मैग्नीशियम की एंजाइम के साथ बाइंडिंग से भी नहीं बन रही। एमजी बाइंडिंग एंजाइम किसकी, रूबिस्को है, पेप्को से एमजी है, नहीं बाइंड हो रहा है, एमएन टॉक्सिसिटी पर बाइंड नहीं हो रहा है, ये भी समस्या हो गई, मतलब अब रूबिस्को नहीं तो फूड नहीं बन रहा है। अगला क्या लिखा है, तीसरा, मैंगनीज आल्सो इनहिबिट बोलो कैल्शियम ट्रांसलोकेशन द शूटर, मतलब कैल्शियम को ऊपर जाने नहीं दे रहा है। बताओ एमएन की टॉक्सिसिटी से पहला क्लोरोटिक वेन विद ब्राउन स्पॉट, ठीक, दूसरा अपटेक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम को इनहिबिट कर रहा है, नहीं जाएंगे, तीसरा मैंगनीज के एंजाइम से बाइंडिंग, और चौथा कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन सूट में नहीं हो पा रहा। चार चार चीजें एक से हो गया। तो कई बार बेटा हो सकता है कि इनकी मात्रा खूब प्रेजेंट हो और सिम्टम्स आ जाएं डिफिशेंसी के, तो क्या मानोगे, टॉक्सिसिटी मानी जाएगी, ये है टॉक्सिसिटी सिम्टम, ठीक है। इतना ही रखेंगे आज, काफी हो गया, एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा बचा है, बाकी खत्म हो जाता है ना, कल खत्म कर देंगे, और क्या, यही तो बात है, कल चैप्टर फिनिश, तीन दिन में फोटोसिंथेसिस, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसी चार से पहले शुरू करते हैं, 1 दिसंबर को शुरू करनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, शुरू पोजेनेटिक्स, सॉरी 5वां चैप्टर सेकेंड बुक का, बीटी में आएगा ना आगे चल करके, पूरा हो तो नहीं पाएगा लेकिन देखते हैं। ओके बेटा।